प्रणाम बच्चों, अब हम सातवीं कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी के पाठ्यक्रम से पहला कविता पाठ प्रार्थना के वर्कशीट हम करेंगे। इसके पहले इस कविता का तात्पर्य क्या है, इसका विवरण मैं देती हूँ। यह कविता बच्चों से भगवान को प्रार्थना की गई है। बच्चे इस कविता में प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हमें विद्या का दान दीजिए और हमारे आत्माओं को शुद्ध कर दीजिए। हे भगवान, हमारे कर्म है और जो धर्म है, हम ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ हमें करना है, और हमारे दिलों में जो प्रेम है वह गंगा जैसा स्वच्छ और सागर जैसा अनंत होना चाहिए, और हम आपस में न लड़ना है और हमेशा मिलजुल कर रहने की क्षमता आप हमें दे दीजिए। आखिरी चरण में बच्चे ईश्वर से वतन के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, इस वतन के, इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए हमें जीना है और मरना भी इस देश के लिए ही है। हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है, और इस वतन के लिए हमारे जान, हमारे प्राण फिदा करने के लिए, त्याग करने के लिए और बलिदान कर देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। यह कहकर बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम वर्कशीट को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वतन का अंग्रेजी अर्थ। वतन इंग्लिश में कंट्री कहते हैं, CONTRY, कंट्री। आत्मा का अंग्रेजी अर्थ क्या है? आत्मा को इंग्लिश में सोल कहते हैं, SOUL, सोल। अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे दान और धर्म, ये दोनों शब्दों का। पहला शब्द है दान। वर्ण विच्छेद को हमने आपको एक व्यंजन लेकर इसका विवरण देती हूँ, इसके बाद हम वर्ण विच्छेद करेंगे। द लेती हूँ मैं, द पहले मैं द का 12 कड़ी लिख लेती हूँ। द द दी दी दु दु दृ दे दै दो दौ दम दहा। हम देखते हैं द कैसे बनता है। द हल सहित द, द प्लस आ से द बनता है। द और आ स्वर के मिलन से दा बनता है, और द हल सहित द प्लस ई मात्रा दी, द प्लस ई से दी, द प्लस ओ स्वर से दु, द प्लस ओ से दु, द प्लस री से दृ, द हल सहित दा प्लस ए स्वर से दे, द और आई स्वर से दई, द और ओ स्वर से दो, द और औ स्वर से दौ, द और अम से दम, द और आहा स्वर से दहा। अब देखते हैं हम इस ज्ञान से हम दान शब्द का कैसा वर्ण विच्छेद कैसा करना है अब हम जान लेते हैं। दा, पहले हम दा अक्षर को लेते हैं। दा ना, द हल सहित दा प्लस आ से बनता है दा। इसके बाद हल सहित ना और आ से ना, दा ना दान।
और धर्म। धर्म का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ध हल सहित ध प्लस आ और रेफ है ना यहां आधारा, इसे लिखना है। र हल सहित र र हल सहित म प्लस आ से म ध र म धर्म ध र म धर्म ध र म धर्म बन गया। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान को भरो। हमारी धर्म हो सेवा, हमारा डैश हो सेवा कर्म लिखना है यहाँ। हमें आपस में डैश प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। सेवक शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? सेवक अंग्रेजी में हम सर्वेंट बोलते हैं, एस ई आर वी ए एन टी सर्वेंट। और हम पर्यायवाची शब्द जान लेंगे, पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। ओके, गंगा, गंगा को और किन किन नामों से हम पुकारते हैं? देव नदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द है देव नदी, भागीरथी और मंदाकिनी। वतन, वतन यानी कि कंट्री है, कंट्री। वतन के पर्यायवाची शब्द देश, कंट्री, राष्ट्र को भी कंट्री कहते हैं, और मुल्क। वतन के पर्यायवाची शब्द है देश, राष्ट्र, मुल्क। हमारा आखिरी सवाल है धर्म का अंग्रेजी अर्थ। धर्म को हमें इंग्लिश में, धर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियन, आर ई एल आई जी आई ओ एन, रिलीजियन। इसके साथ ये वर्कशीट यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।